सभी साथियों को सुरेश स्वदेशी का नमस्कार। आज का जो मैंने वीडियो तैयार किया है वो किया है हमारा राजस्थान नामक बुक जो कि कक्षा 8 के लिए प्रिस्क्राइब्ड है, पार्ट 3 उसके चैप्टर नंबर 4 जिसका टाइटल है पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। तो इसी जनसंख्या के जो राजस्थान की जनसंख्या है उससे संबंधित क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या उसका सिनेरियो है, क्या उसके वेरियस जो हैं एस्पेक्ट्स हैं पॉपुलेशन के राजस्थान में, उन्हें के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें कहा गया है। द एम ऑफ एवरी स्टेट इज टू मूव फॉरवर्ड ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट। हर राज्य का एक उद्देश्य होता है कि वो विकास के पथ पे आगे बढ़े, विकास के रास्ते पे आगे अग्रसर हो। मैनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। किसी भी राज्य के विकास के लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं, कारक हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। वन सच फैक्टर इज इट्स पॉपुलेशन। इनमें से एक जो कारक है, फैक्टर है, वो है उसकी पॉपुलेशन अर्थात जनसंख्या। द पॉपुलेशन ऑफ ए स्टेट मेक्स इट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल। किसी भी राज्य की जो जनसंख्या होती है वो ही उसके सर्वांगीण विकास को तय करती है। अर्थात राज्य का विकास किस तरीके से होगा ये उस राज्य की जनसंख्या पर भी निर्भर करता है। People construct many resources according to their physical and mental ability and make the development of a state possible. जो राज्य की जनसंख्या होती है, लोग जो होते हैं, human beings जो होते हैं, वो physical या mental योग्यताओं को भी अर्थात शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के चलते बहुत सारे resources को वो अपने तरीके से तैयार करता है और विकास के जो है मायने तय करता है। In this regard, the population of an area is the most important resource. इस तरीके से देखा जाए तो किसी भी राज्य की या किसी भी क्षेत्र की जो population होती है, वो वहाँ का एक महत्वपूर्ण जो है संसाधन मानी जाती है, resource मानी जाती है। For this reason, the study of the population of a state and its various aspects is imperative. तो इन्हीं कारणों से हमारे राज्य अर्थात राजस्थान की जनसंख्या के जो विभिन्न aspects हैं, विभिन्न पहलू हैं, उनका अध्ययन किया जाना हमारे लिए आवश्यक है। Do you know what is the population of a state? Which areas are densely populated and which are sparsely populated? क्या आप जानते हैं कि हमारी जनसंख्या, हमारे राज्य की जनसंख्या कितनी है? कौन से जो इसके एरियाज हैं वो वहाँ पर घनी आबादी बसती है? कौन से में जो आबादी बहुत कम है? Which district has the highest literacy rate? कौन से जिले की सबसे उच्च जो है साक्षरता दर है? Which one has the lowest literacy rate? जबकि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? Let us find out the answer of such questions in this chapter. तो इन सब प्रश्नों के उत्तर हम इस चैप्टर में लेने जा रहे हैं। The collection, compilation, calculation and publication of statistics related to the people of our state is conducted by the Directorate of Census Operations, Rajasthan, Jaipur, every 10 years under the direction of the Government of India. हमारे जो राज्य की जनसंख्या है उसका कलेक्शन, कितनी जनसंख्या संग्रह, उनका संग्रहण करना, कंपाइलेशन एकत्रित करना आंकड़े, उनकी गणना करना, उनका प्रकाशन करना, ये सारे जो सांख्यिकी कार्य हैं ये जो राजस्थान का जनगणना निदेशालय है राज्यों की जयपुर में स्थापित है उसके द्वारा किया जाता है प्रत्येक 10 वर्ष में, और ये जो है भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। Census in India started from 1872. भारत में पहली जो सेंसस हुई अर्थात जनगणना जो हुई वो 1872 में हुई और प्रथम नियमित जनगणना जो है 1881 से प्रारंभ हुई थी। According to the census of 2011 of Rajasthan, the total population of Rajasthan is 6.85 crores, which is 5.7% of the total population of India. अभी जो जो लास्ट पॉपुलेशन सेंसस हुआ है भारत में वो 2011 में अर्थात 2011 में हुआ था, और इसके अकॉर्डिंग जो राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है वो 6.85 करोड़ जो है, और ये जो पॉपुलेशन है इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 5.7% है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर। Population growth rate refers to the change in the population in a particular duration of time. एक निश्चित समय अवधि में किसी राज्य की जनसंख्या में जो चेंज आता है, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। Population change refers to both increase and decrease in population. यहाँ जनसंख्या परिवर्तन से
तात्पर्य जनसंख्या में कमी होना या वृद्धि होना दोनों को शामिल किया जाता है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस डिक्रीजेस ड्यूरिंग ए ईयर और ए डिकेड इट इज रेफर टू एज नेगेटिव ग्रोथ एंड इफ इट इंक्रीजेस इट इज रेफर टू एज पॉजिटिव ग्रोथ। अगर किसी स्थान की जनसंख्या जो है किसी एक वर्ष या दशक डिकेड यानी 10 ईयर्स में कम हो जाती है तो इसे नेगेटिव ग्रोथ कहा जाता है, और अगर ये इसी अवधि में अर्थात एक वर्ष या एक दशक की अवधि में कम हो बढ़ जाती है तो इसे पॉजिटिव ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली विच रेफर्स टू द हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। राजस्थान में जनसंख्या जो है वो कंसिस्टेंटली अर्थात लगातार बढ़ती जा रही है और इससे जो ग्रोथ रेट है वृद्धि दर है वो भी काफी हाई है। इन 2011 द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान वाज 21.31% अर्थात काफी हाई थी 21.31% 2011 की जनगणना के अनुसार। It is evident in the following map that the highest population growth rate is 32.5 in Barmer district, whereas the lowest population growth rate was 10.0% in Ganganagar district. 2011 की जो census थी उसके according जो राजस्थान की जो growth rate रही वो तो 21.31% रही, जबकि राजस्थान के अगर हम district-wide बात करें district-wise या जिलेवार बात करें तो बारमेर district की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो सर्वाधिक रही जो कि 32.5% थी, जबकि लोवेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट गंगानगर की रही जो कि 10% रही। हम इस मैप में ये अलग अलग ग्रोथ रेट्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज दी हुई है तो हम इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये श्री गंगानगर की 10% है, जबकि बाड़मेर की हम बात कर रहे थे तो बाड़मेर में आप 32.5 है, जैसलमेर में 31.5, बीकानेर 24.3, अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो 26.2। तो ऑलमोस्ट जो है ये ग्रोथ रेट्स का मैप आपके चेक बुक में भी दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन जनसंख्या घनत्व। पॉपुलेशन डेंसिटी इज ए मेजरमेंट विच इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया विच इज द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स पर यूनिट ऑफ एरिया जनरली इन ए स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन डेंसिटी अर्थात जनसंख्या घनत्व जो है वो एक मापन है मेजरमेंट है विच इंडिकेट्स जो ये संकेत करता है अर्थात ये जनसंख्या और उस क्षेत्र के बीच में क्षेत्रफल के बीच में संबंध बताता है। और यह इसका तात्पर्य ये होता है कि एक पर यूनिट ऑफ एरिया जो कि सामान्यतः एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया है तो अर्थात एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं यही जनसंख्या घनत्व है। The population density in Rajasthan is 200 per people per kilometer square. Rajasthan में जो 2011 की census है उसके हिसाब से 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। तो यहाँ की density है population density is 200 people per square kilometer. It means an average of 200 people live in the area of a square kilometer. The highest population density is in Jaipur 595 people per square kilometer. राजस्थान के अगर जिलेवार बात करें तो जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है जो कि 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। एंड द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इज इन जैसलमेर 17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो जैसलमेर का है जो कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। अगर हम पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें अगर उसकी सेंसेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वर्गीकरण है कि किस जिले की जनसंख्या जो है कितनी रही 2011 के जनगणना के आधार पे, ये हम यहाँ से मैप से देख सकते हैं। पॉपुलेशन जनसंख्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज अनइवन इन राजस्थान। राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है वो समान नहीं है अर्थात असमान है विषम है। देयर इज लो पॉपुलेशन इन वेस्ट राजस्थान वेयर इज नॉर्थ ईस्ट राजस्थान इज डेंसली पॉपुलेटेड। अगर हम एरिया वाइज बात करें तो वेस्टर्न राजस्थान में अर्थात पश्चिमी राजस्थान में जनसंख्या जो है बहुत कम है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान जो है वहाँ पर सघन आबादी निवास करती है। ऑलमोस्ट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन जयपुर। अगर राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो उसका 10% तो लगभग
जयपुर में ही रहता है। लेस देन 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान लिव्स इन जैसलमेर, जबकि जैसलमेर की बात करें तो वहां पूरे राजस्थान की 1% आबादी निवास करती है। अगर इसी बात को थोड़ा सा और विश्लेषण करें तो समझ में आता है कि 40% पॉपुलेशन लिव्स इन वेस्टर्न राजस्थान एरिया, दैट इज 61% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान जो है वो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का 61.1% कवर करता है, जबकि वहां जो पॉपुलेशन निवास करती है वो कुल पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 40% ही रहती है। Here the population density is the least with 130 people per square kilometer. यहाँ पर अगर वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो population density जो है वो 130 है। 33% population lives in 20% area of the Rajasthan. Districts of eastern plain of Rajasthan including Jaipur, Alwar, Bharatpur, Dausa, Dholpur, Tonk, Sawai Madhopur, Karoli and Bhilwara. एक दूसरा fact है कि जो ईस्टर्न प्लेन है, पूर्वी मैदानी भाग है राजस्थान का, जिसमें हम जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली और भीलवाड़ा को शामिल करते हैं, वो कुल एरिया का 20% कवर करता है, जबकि यहाँ जो पॉपुलेशन निवास कर रही है वो 33% पॉपुलेशन ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान निवास करती है। इट इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी विद 332 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। और इस पूर्वी मैदानी भाग जो पूर्वी राजस्थान है, इसमें जो जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, जो कि राजस्थान के औसत से काफी ऊपर है। हिली टेरेन ऑफ द अरावली एंड साउथ ईस्टर्न प्लेट हैज मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हम पहाड़ी, राजस्थान के पहाड़ी भाग जिसमें अरावली और साउथ जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, पठारी भाग है, अगर हम उसको उसकी बात करें तो यहाँ पर मध्यम पॉपुलेशन डेंसिटी है। पॉपुलेशन इज लेस इन वेस्टर्न राजस्थान ड्यू टू डिफिकल्ट जियोग्राफिकल कंडीशंस एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान में पॉपुलेशन कम है, कम क्यों है, तो इसका सीधा आंसर होगा कि एक तो वहाँ की भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, जियोग्राफिकल कंडीशंस है, अर्थात वहाँ पर रेगिस्तानी एरिया पाया जाता है, काफ़ी गर्मी रहती है, वेजिटेशन का अभाव है, वनस्पति का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आधारभूत सुविधाओं की कमी है, तो इन सब के चलते वहाँ आबादी का दबाव या आबादी का घनत्व काफ़ी कम है। इट इज नॉट वर्दी दैट द थार डेजर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। थार डेजर्ट, ये भी एक बात देखने की, थार डेजर्ट जो है mostly densely populated areas in the world में है। Favorable conditions for agriculture in plains like plain grounds, availability of water, closeness to the national capital, trade, commerce and transport, infrastructure, these areas are densely populated. अगर हम पूर्वी राजस्थान या बाकी के राजस्थान की बात करें तो प्लेन जैसे मैदानी भाग है, वहाँ पर पानी की उपलब्धता, समतल भूमि का होना, कृषि की उपलब्धता, क्लोजनेस टू द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी के नज़दीक होना, व्यापार वाणिज्य की उपलब्धता, यातायात व परिवहन का जो ढांचागत विकास है उसकी अच्छी खासी उपलब्धता होना, ये सभी कारण जो है वो इसके सघन आबादी को बात करते हैं। इसी कारणों से इस भाग में आबादी सघन रूप से रहती है। ये हम यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज, सॉरी जिलावार जो है, हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि किस जिले में कितनी पॉपुलेशन निवास करती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो अर्थात लिंगानुपात, अर्थात प्रति एक हजार पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या कितनी है, ये सेक्स रेशियो या लिंगानुपात कहलाता है। सेक्स रेशियो इज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है, यही लिंगानुपात है। सेक्स रेशियो इंडिकेट्स द कंडीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। इससे समाज में, सोसाइटी में महिलाओं की क्या स्थिति है उसका पता लगता है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, सेक्स रेशियो इन राजस्थान इज 928 पर 1000 मेल्स, वेयर चाइल्ड सेक्स रेशियो इन द एज ग्रुप ऑफ 0 टू 6 इयर्स इज 888, व्हिच इज क्वाइट लो। अगर हम जनगणना 2011 की बात करें तो यहाँ जो लिंगानुपात है राजस्थान का वो 928 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर,
जबकि अगर हम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो जो शिशु लिंगानुपात में हम 0 से 6 वर्ष 6 वर्ष के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको शामिल करते हैं तो ये 888 ही है, जो काफी नीचे है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज इन डूंगरपुर। अगर राजस्थान के जिलेवार हम स्थिति की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर में पाया गया है, जो कि 994 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुषों पर है, जबकि लोवेस्ट जो है वो धौलपुर में पाया गया, जो कि 846 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है। अगर हम मैप की बात करें, जिलावार बात करें, तो जिलावार हम यहाँ देख सकते हैं, ये जिलावार सिनेरियो है कि कौन से जिले में कितना जो है लिंगानुपात है, तो ये यहाँ से हम फिगर्स को चेक कर सकते हैं। लिटरेसी, लिटरेसी में साक्षरता दर, तो राजस्थान में साक्षरता दर का क्या सिनेरियो है वो देख लेते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ एन एरिया और स्टेट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन विच कैन रीड एंड राइट। अगर हम साक्षरता दर की बात करें तो किसी भी क्षेत्र या राज्य की जो है जनसंख्या पढ़ सकती है या लिख सकती है, इस आधार पे कैलकुलेट की जाती है। विद द हेल्प ऑफ द लिटरेसी रेट ऑफ द पॉपुलेशन वी कैन फाइंड आउट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ एन एरिया। साक्षरता दर का पता लगा करके हम जो है किसी भी क्षेत्र की जो आबादी है उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ सेंसस, ये जनगणना का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011 द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान इज 66.11%। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करते हैं तो राजस्थान की जो साक्षरता दर थी वो 66.11%। द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज कोटा विद 76.6% लिटरेसी रेट। राजस्थान के जो सर्वाधिक साक्षर जिला जो इस जनगणना के अनुसार रहा वो कोटा रहा, जिसकी साक्षरता दर 76.6% रही, जबकि लोवेस्ट लिटरेसी रेट सबसे कम साक्षरता दर थी वो जालोर की थी 54.9%। मेल लिटरेसी रेट इन राजस्थान इज 79.19%, वेयर इज फीमेल लिटरेसी रेट इज 52.1%। अगर हम जेंडर वाइज इन लिटरेसी रेट्स की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो पुरुष साक्षरता जो है वो 79.19% रही, जबकि जो महिला साक्षरता दर है 52.1%, जो ये बताती है कि राजस्थान में महिलाओं की जो शैक्षिक स्थिति है काफी कमजोर है। लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इज द हाईएस्ट इन झुंझुनू एंड कोटा। अगर हम पुरुषों की सर्वाधिक साक्षरता दर की बात करें तो वो झुंझुनू में अधिक रहे सर्वाधिक रही, जबकि महिला साक्षरता दर कोटा में सर्वाधिक है, एंड द लोवेस्ट इन प्रतापगढ़ एंड जालोर रिस्पेक्टिवली। और अगर हम बात करें कि पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कम कहाँ रही, तो वो प्रतापगढ़ जिले की रही, डिस्ट्रिक्ट की रही, जबकि महिला साक्षरता सर्वाधिक कम जो है वो जालोर की रही। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान इज मेकिंग कंटिन्यूअस एफर्ट्स फॉर द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बाई इम्प्लीमेंटिंग वेरियस स्कीम्स। राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रयास निरंतर रूप से किए जाते रहे हैं कि साक्षरता को जो है सभी लोगों तक पहुंचाया जाए, अर्थात साक्षरता को जो है 100% लक्ष्य की तरफ ले जाया जाए। राजस्थान लिटरेसी रेट की बात करें परसेंटेज वाइज, तो ये आप जिला वाइज इनकी स्थिति को देख सकते हैं। रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, अब जनसंख्या का एक और पहलू है जिसमें हम शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आर स्टेट लिव्स इन विलेजेस। हमारे राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो गांवों में निवास करती है। अर्बन पॉपुलेशन ऑफ आर स्टेट इज अबाउट 25% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन विच लिव्स इन स्मॉल एंड बिग सिटीज। अगर हम नगरीय जनसंख्या की बात करें, अर्बन पॉपुलेशन की बात करें राजस्थान में, तो कुल आबादी का 25% जो है वो छोटे और बड़े शहरों में निवास करता है। द हाइएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इज इन कोटा वेयर इज डूंगरपुर हैज द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अगर हम शहरी या नगरीय जनसंख्या की बात करें तो ये सर्वाधिक जो है कोटा में निवास करती है, कोटा शहर में, जबकि लोवेस्ट जो है वो डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। एट प्रेजेंट द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। अगर हम वर्तमान जो सिनेरियो की बात करें तो राजस्थान में अर्बन पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ये भी एक जनसंख्या के डिवीजन की बात की जाती है, पॉपुलेशन का डेटा यहाँ से भी निकाला जाता है। तो मैनी ट्राइब्स लिव इन राजस्थान, राजस्थान में बहुत सारे जो है कबीलाई लोग रहते हैं।
शेड्यूल ट्राइब्स मोस्टली लिव इन विलेजेस, जो एसटी के लोग हैं, एसटी कैटेगरी के अर्थात शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, प्लेट्यूज एंड फॉरेस्ट अर्थात पठारी और जंगलों में रहने वाले लोग हैं। ट्राइब्स अर्न देयर लाइवलीहुड बाय फार्मिंग थ्रू लेबर एंड बाय कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये जो ट्राइब्स हैं, ये जो जनजातियां हैं, ये सामान्यतः जो है अपनी आजीविका खेती बाड़ी मजदूरी या फिर जो वन उत्पाद है उनको इकट्ठा करके चलाते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011, अगर हम 2011 की जनगणना के आंकड़ों की बात करें तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो लगभग 13.5% ऑफ राजस्थान पॉपुलेशन कवर करती है एसटी के लोग। ये सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड बांसवाड़ा जो है वहां पर पाई जाती है ये आबादी। ट्राइबल्स ऑल्सो लिव इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान। ट्राइबल्स अन्य जातियों जो जनजातियां हैं वो अन्य राज्यों में भी रहती हैं, जैसे कि बारा, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा एंड जयपुर। अगर राजस्थान के महत्वपूर्ण जो जनजातियों की बात करें, ट्राइब्स की बात करें, तो ये हैं भील, मीना, डामोर, सांसी, गरासिया एंड सहरिया। द हाइएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन इन राजस्थान इज ऑफ मीना ट्राइब। अगर हम इन जनजातियों की बात करें तो इनमें सर्वाधिक जो आबादी है वो मीना ट्राइब की है, मीना जनजाति की है। द मीना ट्राइब लिव्स प्राइमरीली इन जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा एंड बूंदी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो मीना जनजाति के लोग हैं वो सबसे मुख्य रूप से जो है जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा और बूंदी में निवास करते हैं। द भील इज एन एंशियंट ट्राइब ऑफ राजस्थान विच प्राइमरीली लिव्स इन बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एंड सिरोही डिस्ट्रिक्ट। भील जनजाति जो है वो राजस्थान की प्राचीन जनजातियों में से एक है और ये मुख्य रूप से जो है बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही जिलों में निवास करती हैं। द डामोर ट्राइब इज फाउंड इन सीमलवाड़ा एरिया ऑफ डूंगरपुर। डामोर जो जनजाति है वो डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा क्षेत्र में पाई जाती है, निवास करती है। द गरासिया ट्राइब बिलोंग्स टू आबू रोड एंड पिंडवारा तहसील्स ऑफ सिरोही डिस्ट्रिक्ट। जबकि गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो आबू रोड और पिंडवारा तहसील जो सिरोही जिले की है वहां पर निवास करते हैं। गरासिया ट्राइबल स्प्रेड अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ डूंगरपुर, उदयपुर एंड पाली। गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो डूंगरपुर, उदयपुर और पाली क्षेत्रों में या इन जिलों में फैले हुए हैं। द सांसी ट्राइब इज फाउंड इन भरतपुर। सांसी जनजाति है जो कि भरतपुर में मुख्य रूप से पाई जाती है। सहरिया इज द ओनली ट्राइब ऑफ राजस्थान विच हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो भारत सरकार द्वारा जो प्रिमिटिव आदि जनजातीय जो समूह है, आदिम जनजातीय समूह है, उसमें शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति जो है वो है सहरिया जनजाति। द हाइएस्ट पॉपुलेशन ऑफ सहरिया ट्राइब इज इन शाहबाद एंड किशनगंज तहसील्स ऑफ बारा डिस्ट्रिक्ट। और ये जो जनजाति अर्थात सहरिया जनजाति जो है वो बारा जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसीलों में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो ये थे साथियों जनसंख्या से राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित विभिन्न तथ्य जो इस चैप्टर में दिए हुए थे और मैंने ये आप तक पहुँचाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। और इसी तरीके से आप देखते रहेंगे बोधिलता, जो कि सभी जो पाठ्यक्रम पर जो सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और इनसे संबंधित जो तथ्य चैप्टर्स हैं उनके फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। पसंद आने पर आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।